हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, क्लास टेंथ की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आज आपका एक नया अध्याय होगा जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। वैसे तो पैरेलल सीरीज कहा जा सकता है समांतर श्रेणी को ना, लेकिन इसकी इंग्लिश उसके हिंदी से बिल्कुल अलग है, लेकिन आपको समझ के चलना है बस, ठीक है। स्क्रीन पर पीछे आपको एक सीढ़ी दिख रही होगी, छत पे चढ़ने वाली दिख रही है, इसमें भी समांतर श्रेणी है। कैसे है वो मैं बताऊंगा, पहले फिगर देख लो बस। आपको रेल की पटरी दिख गई बगल में, देखो पटरी पे चलने लगे हैं, हाँ, मुसाफिरों वाली रेल सीधा दिख रही एकदम। बोलो दिख रही कि नहीं, एकदम सीधा, मतलब कहीं तुम्हें पटरी दोनों एक दूसरे पे ऐसे सटती हुई नहीं दिखेगी, हर जगह ऐसे ही दिखेगी ना। यानी पटरियों के बीच का जो स्थान है हर जगह क्या होता, बराबर होता है। उसी तरह से अगर जो ये सीढ़ी है इनके बीच में जो डंडे लगे हैं, ऐसे ऐसे बांस लगा जो ऐसे डंडे लगे हैं, उनके देखो बीच की दूरी हर जगह बराबर है, इसे क्या बोलते हैं, यही समांतर श्रेणी होती है। लेकिन कैसे किताब में कैसे पढ़ेंगे उसके लिए पूरा एंड तक इस क्लास को देखना, बीच में स्किप करके बिल्कुल नहीं जाना, पूरा एंड तक देखना। चलिए दिखाते हैं आपको, हमारे पीछे कुछ एग्जांपल दिख रहे होंगे, आप उन्हें जरा ध्यान से देखो। कुछ समझ में नहीं आएगा बिल्कुल टेंशन मत लेना, पहले देखो, सिर्फ देखो। देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 गिनती है ना। यहाँ से कुछ आपको समझ में आया नहीं, आप कहोगे तो गिनती लिखे हो। अच्छा दूसरा देखो, 5 7 9 11। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ये बताओ इसमें क्या होगा अगला 11 के बाद, उसके बाद क्या होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाओगे और कर लोगे। सेम वैसे जैसे अगर मैं बोलूं कि जो सीढ़ी दिख रही स्क्रीन पर, अगर इसमें एक डंडा और लगाना हो आगे तो कितना दूरी पे लगाएंगे, वो तुम समझ जाओगे ना, क्योंकि बराबर बराबर दूरी पर पूरी सीढ़ी में डंडा लगा है, तो उसके आधार पे तुम अगला डंडा भी डिसाइड कर सकते हो कि सीढ़ी में कहाँ होगा, है ना। तो उसी आधार पर प्यारे बच्चों, ये जो सीरीज आपको स्क्रीन में दिख रही है, इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि इस पे क्या नंबर होगा, सभी बता लेंगे। इस पे क्या होगा वो भी आप बता लोगे। वैसे अगर इसको देखो, इन तीन नंबरों को देख के आपसे मैं पूछूं यहाँ पे क्या होगा, तो आप बता लोगे यहाँ पे क्या होगा, बता लोगे। देखो कैसे, जो नहीं बता पाएंगे वो ध्यान दें, समझो भैया, ये तो गिनती है, ये सबको पता है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, लेकिन ये 5 6 गिनती भी एक सीरीज में है, इस वजह से आ रही है। वो कैसे है पता है आपको, देखो एक है, एक में हमने क्या किया, एक जोड़ा है, अब 2 आया है, अब 2 में हमने क्या किया, फिर एक जोड़ा है, तब 3 आया है, उसी तरह से हमने 3 में एक जोड़ा है, तब 4 आया है। तो ऐसे ऐसे हम एक जोड़ करके अगली संख्या इसमें पाएंगे, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं इनका जो कॉमन डिफरेंस है जिसे डी बोलते हैं, 1 होगा। ये क्या है इसके बारे में अभी गहराई से बताएंगे, पहले क्लास को पूरा देखिए, जाना नहीं। चलो दूसरे में देखो यहाँ पर क्या आएगा, हम कैसे जानेंगे, पहले हम इसका मूल मंत्र निकालते हैं, इसका निचोड़ समझिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये 5 है ना, ये 7 आया कैसे, भैया 5 में 2 जोड़ दो, 7 आ जाएगा ना बाबू। अगर 7 आ गया है तो 7 के बाद क्या लाना है, मतलब आया 9, आप इनकी पड़ताल करो, 9 कैसे आया होगा, जब 7 में 2 जोड़ा गया तो 9 आया ना, अब 9 में 2 जोड़ा गया तो 11 आया है। यहाँ से हमें ये मिल रहा है भैया कि हर जगह 2 जोड़ने पर अगला मिल रहा है, फिर 2 जोड़ा फिर अगला मिला, फिर 2 जोड़ा फिर अगला मिला, यानी 3 बार अगर मिल गया, यानी चौथी बार भी क्या होगा, इसमें 2 जोड़ करके ही अगला मिलेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा, अगला यानी 11 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा, ठीक है। अब अगला ढूंढना भी आसान है भाई, सीधी सी बात है, इसमें 2 जोड़ दो बाबू, तो 13 में 2 जोड़ना तुम सभी जानते हो, यानी अगला ये क्या होगा, 15 होगा। इस तरह से अगर हम आपसे पूछें तो आप इसे अनंत तक एक एक बता ले जाओगे, सब बता ले जाओगे ना। अभी समझते चलो, श्रेणी एकदम दिमाग में घुस जाएगी, निकलेगी नहीं है, बहुत आसान है समांतर श्रेणी।
यानी यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है क्या है, दो है। अभी इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, समझते चलो। इसमें अगर देखो तो कहोगे गुरुजी हमें तो कुछ जुड़ नहीं रहा है, क्योंकि 118 था, 115 हो गया, 112 हो गया, तो कम हो जा रहा है। हाँ ये कम हो जा रहा है, इसमें से तीन घटाने पर ये ऐसा बना है, और फिर इसमें से तीन घटाने पर ये ऐसा बना है, यानी दो बार लगातार अगर मिल गया हम कह सकते हैं अगली बार भी इसमें से तीन घटाने पर अगला वाला आएगा, यानी 109 होगा। इसमें से तीन घटाने पर अगला वाला आएगा 106 होगा, और इसमें से तीन घटा के तुम अगला बताओ बेटा क्या होगा, जल्दी बताओ। अब हमें आपको समांतर श्रेणी की परिभाषा नहीं बताना पड़ेगा, नो, समझ गए ना आप। सीढ़ी देख करके, रेल की पटरी देख करके, और ये दो तीन ठीक एग्जाम्पल देख करके आप समांतर श्रेणी समझ गए। इन्हीं को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। लेकिन चचा अबे रुको, कुछ लोग कहेंगे तो एक श्रेणी बोलते हैं, तो आखिर कौन सी ऐसी मुसीबत है जिसको श्रेणी नहीं बोलते। एक और देखो, अभी जैसे मान लो यहाँ पर 108 है, हा? शुभ शुभ 111, 105, 125, 100। यहाँ पर देखो, इनमें अगर मैं कहूँ कि अगला क्या होगा तो बताओ क्या होगा। इनमें थोड़ा दो चार ठीक ज़्यादा इसलिए लिखा हूँ जिससे क्लियर हो। इसमें देखो भैया बाबू, ध्यान से देखो तो तीन जोड़ने पे 111 आया है। इसमें अगर देखो भाई साहब बाबू तो सात घटाने पर 105 आया है। फिर यहाँ से देखो अगर तुम तो 20 जोड़ने पर ये आया है। फिर अगर देखो तो यहाँ से क्या है, 25 घटाने पर ये आया है। यहाँ देखो तीन बढ़ रहा है, सात घट रहा है, 20 बढ़ रहा है, 25 घट रहा है। कोई दो नंबर सेम मिला कहीं? नहीं मिला ना। इसमें देखो हर जगह तीन तीन का ही डिफरेंस मिल रहा था बच्चा, ये हर जगह तीन तीन का ही मिल रहा था। यहाँ पे हर जगह दो दो का मिल रहा था, यहाँ पे हर जगह एक एक का मिल रहा था, ये हर जगह एक एक का मिल रहा है, एक एक का मिल रहा है। यानी इसमें कोई प्रकार की सीरीज नहीं बन रही। हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे क्या होगा, अपने से जो मर्जी वो लिख लो, लेकिन कोई रूल नहीं बन रहा इसमें, ठीक है। इनमें जो कॉमन डिफरेंस था डी बराबर क्या है, तीन है, लेकिन यहाँ पर डी बराबर क्या है भगवान जाने, कुछ नहीं पता है। तो ये क्या है, ये कोई प्रकार का समांतर श्रेणी नहीं है। बात समझ में आया ना। यानी वो श्रेणी जिसमें जो दो संख्याओं का अंतर होगा वो बराबर होगा, हर जगह बराबर होगा, हर एक स्टेप पर बराबर होगा, वो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब इनकी परिभाषा कैसे लिखते हैं वो भी समझ लीजिए। यहाँ पर जो ये कंडीशन आप देखे हो इसके आधार पर आप कह सकते हो, लिख लो जिनको लिखना है, मैं सामने से हट जाता हूँ। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें पहले पद को छोड़कर, जिसमें पहले पद को छोड़कर प्रत्येक अगला पद एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है, एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है वो सुन लीजिए हिंदी में। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें पहले पद को छोड़कर पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर बनता है। ऐसे कुछ मैंने बताया ना, देखो जितने बार मैं बोलूंगा उतनी बार अलग अलग होगा, क्योंकि अगर कोई परिभाषा लिख के रखा है तो मैं बार बार वही बोल दूं, ठीक है। अगर बना के बोलोगे तो जितनी बार बोलोगे उतनी बार अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे लिखवाया हूँ इस आधार पर खुद से लिख सकते हो, कहीं समांतर श्रेणी की परिभाषा लिखने को ऐसे तुम्हारे हाई स्कूल की परीक्षा में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये समझना वाला आएगा, ठीक है, समझ गए ना। चलो, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। वो कैसे होता है वो मैंने दिखाई दिया तुम्हें, हाँ भाई, सबसे बड़ी बात समझना है।
पहले पद को छोड़कर, यानी यहाँ पर पांच जो है ये कहीं से लाया नहीं गया, ये ऑटोमेटिक मिला होना चाहिए नेचुरली। बाकी अगला पद हम निकाल सकते हैं। पांच में हमने क्या किया, दो जोड़ा सात आ गया, सात में दो जोड़ा नौ आ गया, नौ में दो जोड़ा ग्यारह आ गया, ग्यारह में दो जोड़ा तेरह आ गया। यानी सिर्फ हमें पहला पद मिल जाए तो हम सारणी बना सकते हैं। बात समझ में आया? इसमें पहला पद 118 मिल गया, इसमें से तीन घटा लिया 115 आ गया, फिर तीन घटा लिया 112 आ गया, फिर तीन घटा लिया 109 आ गया, फिर तीन घटा लिया 106 आ गया। यानी एक निश्चित संख्या घटाते चले जा रहे हैं। हो गया, तो इसे लिख लीजिए। ये आपका क्या था, समांतर श्रेणी की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों क्या होता है, इसके बाद होता है प्रथम पद। आप लोग हेडिंग डालोगे फर्स्ट पद। प्रथम पद सबसे बड़ा मतलब अभी आगे चल के रोल निभाएगा। और ये सार्वांतर जो डी है ना, उसके बारे में भी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। कहीं जाना नहीं, आपको बिल्कुल प्यार से क्लास को एंड तक देखना है। ठीक है, सब कुछ अच्छा है ना, आगे चला जाए, बढ़ा जाए। चलिए पहला पद लिखिए, प्रथम पद। प्रथम पद फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है भाई, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ही उसका प्रथम पद कहलाता है। अब चाहे इसको जैसे बोलो, हाँ, किसी समांतर श्रेणी, या फिर ऐसा कह दो समांतर श्रेणी जहां से शुरू होती है, जहां से शुरू होती है वही उसका पहला पद होता है। बस ये सबसे अच्छा है। ठीक है, समांतर श्रेणी की शुरुआत जहां से होती है वही उसका पहला पद होता है। बस बस, जैसे एग्जाम्पल के लिए उदाहरण मान लो, उदाहरण जैसे 8, 15, 22 29। समांतर श्रेणी कहाँ से शुरू हो रही भाई, कहाँ से शुरू हो रही बाबू, 8 से शुरू हो रही। ये क्या है, प्रथम पद। ये क्या है, प्रथम पद। समांतर श्रेणी 8 से शुरू हो रही, 8 क्या है, प्रथम पद है। लिख लीजिए फटाफट, दौड़ के चलते हैं आगे हम लोग। ये सारे जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखवाए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, चलिए। इसके बाद क्या पढ़ेंगे अब आप लोग, सार्वांतर। अगला हेडिंग डालिए सार्वांतर। ये आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो वीडियो को आप रोक करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग सार्वांतर, जिसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस, सार्वांतर। कॉमन डिफरेंस, ओके। चलो भाई, सार्वांतर क्या होता है, देखो किसी भी टॉपिक की परिभाषा उम्मीद करते हैं हाई स्कूल की परीक्षा में जल्दी कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको समझ के चलना है। परिभाषा अगर पूछ भी लेता है, अगर तुमने जो मैंने बताया फार्मूला वो लिख देना ना, कोई एक नंबर नहीं काटेगा। मैथमेटिक्स इसीलिए सबसे अलग है। यहाँ पर तुमको हिंदी वाली कहानी नहीं लिखना है, नहीं, तुम एक सूत्र लिख दोगे उसी में सारी परिभाषा हो गई, कोई परिभाषा नहीं लिखना है। चलो समझो, सार्वांतर क्या होता है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद, ऐसे लिखो, समझो यहाँ पर बस, केवल यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1, द्वितीय पद A2, द्वितीय पद A2, ये A2 है चाचा, हाँ, तृतीय पद A3, तृतीय पद A3, डॉट 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 डॉट, या नवा पद AN है, तो नवा पद
एन है, रुको रुको, तथा तथा सर्वांतर डी हो तो, सर्वांतर को डी माना गया है हो तो, अब नीचे लिखो, ध्यान से लिखो, ए टू माइनस ए वन इक्वल, देखो यहां से मतलब समझना, कहानी समझना पूरी, ए थ्री माइनस ए टू बराबर ए फोर माइनस ए थ्री, यानी ऐसे चाहे जहां तक तुम लिखते चले जाओ, हाँ, बराबर ए एन माइनस ए एन माइनस वन बराबर डी, यही क्या है सर्वांतर। कुछ समझ में आया आपको कि नहीं, ये क्या है सर्वांतर है। कुछ बच्चे इसमें भूल जाएंगे कि गुरुजी इतना बड़ा हम लिखेंगे कैसे, अरे चचा कुछ ना लिखो, तुम यही जान लो, तुम इतना भी लिख सकते हो। सर्वांतर के लिए ए टू माइनस ए वन बराबर डी लिख दो, ये भी सही है, ए थ्री माइनस ए टू बराबर डी लिख दो, इतना भी सही है, हाँ। कुल मिलाकर के ये जान लो, सर्वांतर निकालने के लिए जो भी श्रेणी दी गई होती है उसमें से बीच से श्रेणी के कहीं से जो बड़ा वाला पद है उससे छोटा वाला पद घटा देना, बस वो सर्वांतर हो गए, मतलब समझ रहे हो। या फिर ऐसे जान लो, जैसे कोई प्रकार की श्रेणी अगर आपको दी गई है, जैसे अभी मैं वैसे बताया था तुम्हें ना पीछे, सबसे पहले एग्जांपल बताया था, सर्वांतर निकाला था ना ऊपर, हर जगह लिखा था लास्ट में डी बराबर दो डी बराबर एक, वही सर्वांतर है। तो ये हो गया आपका क्या सर्वांतर। अभी तो आप चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देख रहे हो, एक इसमें सबसे मुख्य है और भी, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, हेडिंग लिखिए इसका, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, रोक लीजिए वीडियो को, लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं होगा, जो बच्चे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो वो बाद में लड़ाई नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि स्क्रीनशॉट की सुविधा इसलिए नहीं दी जाती है कि तुम लोग पढ़ोगे नहीं, नहीं पढ़ोगे मुझे पता है, हाँ, फिर पढ़ते कहाँ हो, फिर तो तुम सोचोगे हम तो स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं चाचा का एक पढ़ेंगे, इसलिए हमने वो भी बंद करा है कि तुम पढ़ो ईमानदारी से। चलो आगे बढ़ते हैं, अब समझते चलो, अगला लिखिए समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक, व्यापक पद नहीं व्यापक रूप होता है, जिसे जनरल फॉर्म बोलते हैं, यानी जैसे द्विघात समीकरण पढ़े हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है, एक प्रकार से इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है श्रेणी का, ये बताना है। जैसे शेर, शेर का स्ट्रक्चर होता है ना, बड़ा खुखार मुंह होता है, बड़ी सी लंबी सी पूंछ होती है, बड़ा बड़ा पंजा होता है, दांत होता है खाने वाला, हाँ, ये शेर का स्ट्रक्चर है, व्यापक रूप है शेर का, हाँ, जनरल फॉर्म है। इंसान का देखो, सुन लो, इंसान का भी एक जनरल फॉर्म होता है, जैसे मैं इंसान हूँ, हमारा क्या है एक जनरल फॉर्म है, वो कैसे है कि हमारे सिर पे छोटा छोटा बाल होगा, भाई कोई बड़ा बड़ा रखा है शौकीन अलग बात है, हमारे दो ठी आँख होगी, दो नाक होगी, एक मुंह होगा, हाँ, थू थून जिसे बोलते हैं, और क्या होगा, हाथ होगा, हाथ में पाँच पाँच अंगुली होंगी, ये इंसान का क्या है जनरल फॉर्म है, उसका स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कोई इंसान होगा उसके पाँच हाथ होगा, फिर तो भगवान आ गए अलग बात है, हाँ, समझ रहे हो ना। तो वैसे हर चीज का मैथ में भी क्या होता है, एक व्यापक रूप होता है, या फिर इसे हिंदी में व्यापक रूप लिखा है, हाँ, जनरल फॉर्म बोलते हैं, अरे थोक रेट जिसे बोलते हैं यार, बस ऐसे समझ लो, तुम कुछ भी समझ लो, केवल समझो बस जो मैं कहना चाहता हूँ। चलो, तो वो क्या है, ए ए प्लस डी, और अगला क्या होता भैया, ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी, यानी अगला एक और भी पद लाना है तो ए प्लस फोर डी और फिर फाइव डी, ऐसे ऐसे ये होता चला जाएगा। ये क्या है, इसका जनरल फॉर्म है या व्यापक रूप है, यानी अगर हमें कोई प्रकार की श्रेणी बनानी है समांतर श्रेणी, तो हम कोई एक डी का मान मान लें कुछ और ए का मान कुछ मान लें, तो हम श्रेणी तैयार कर सकते हैं, हाँ। अगर ए का मान हम मान लेते हैं वन और डी का मान मान लेते हैं दो, चलो श्रेणी बना के दिखाता हूँ श्रेणी बनती है कि नहीं, ए बराबर वन डी बराबर दो, चलो
एक समांतर श्रेणी बननी चाहिए, पक्का बननी चाहिए। ठीक है भाई, एक ही जगह पे वन रखा, यहाँ पर वन माना था, इसका मान मैंने दो माना था, तो ये तीन हो गया। ठीक है, इसका मान मैंने वन माना था चाचा, और डी का मान मैंने दो माना था ना, माना था ना, तो डी का मान दो और दो ये चार हो गया, एक ये क्या हो गया पांच। ठीक है, इसका मान मैंने वन माना था, डी का मान दो माना था, तो तीन दूना छः और एक ये हो गया सात। ये हो गया भाई साहब, ये श्रेणी बन गई बाबू। देखो इसमें दो का अंतर है, ये देखो इसमें दो का अंतर है, ये देखो इसमें दो का अंतर है, बोलो कॉमन डिफरेंस दो दो आ रहा है ना, आ रहा है ना, एक तीन पाँच सात, फिर अगला हम कह सकते हैं नौ होगा, ग्यारह होगा, तेरह होगा, देखो श्रेणी बन गई, बन गई ना। कुल मिलाकर के इसे ऐसे समझ लो कि समांतर श्रेणी बनाने का ढांचा है, ये समांतर श्रेणी बनाने का ढांचा है या सूत्र है या स्ट्रक्चर है, समझ गए ना। चलिए इसको लिख लीजिए आप ऊपर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे आपकी परीक्षा में भी ऐसे ही पूछा जा सकता है एक आध नंबर में। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए या फिर उसका जनरल फॉर्म लिखिए। ये हो गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए, स्क्रीन आपके लिए क्लियर है, आपको दिख रही, आप लोग लिख लिए हो तो मैं इसको मिटा के आगे बढ़ सकता हूँ ना। चलो ठीक है, अगला हेडिंग लिखो आप लोग, परिमिति समांतर श्रेणी या फाइनाइट अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, इसे बोलते हैं एक प्रकार से निश्चित, हाँ लेकिन इसे हिंदी भाषा में भाई परिमित ही बोलेंगे। देखो श्रेणी दो प्रकार की होती है, समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है, एक निश्चित होती है एक अनिश्चित होती है। हाँ, एक श्रेणी होती है जिसकी लंबाई निश्चित होती है, लेकिन एक समांतर श्रेणी बनती है जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, कोई लिमिट नहीं होती कब खत्म होगी कि नहीं होगी। तो लिखो अगला हेडिंग लिखो आप लोग, अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक्सरसाइज का, पहले लिख लो परिमित समांतर श्रेणी। हाँ, परिमित समांतर श्रेणी क्या है, फाइनाइट एपी। ठीक है, एपी मीन्स अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। देखिए बच्चों, जब किसी श्रेणी में पदों की संख्या निश्चित हो, जब किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निश्चित हो, फाइनाइट हो, कि हाँ कितने पद हैं, 10 पद हैं, 20 पद हैं, तो वो परिमिति समांतर श्रेणी या फाइनाइट एपी कहलाती है। जैसे सुन लो एक बार, मैं लिखूंगा ना एग्जांपल, उदाहरण, जैसे उदाहरण सुन लो, जैसे एक लड़का प्रतिमाह 50 रुपए की बचत करता है, तो 10 महीने के अंत में उसके पास बचत की कुल कितनी राशियां होंगी बताइए। एक लड़का 50 रुपए हर महीना बचाता है, तो 10 महीने बाद उसके पास बचत की कुल कितनी राशियां होंगी। तो भैया पहले महीना वो 50 रुपए बचाएगा, दूसरा महीना 100 रुपए हो जाएगा, तीसरा 150 हो जाएगा, चौथा 200 हो जाएगा, फिर 250 हो जाएगा, फिर 300, हाँ 350, फिर 400, फिर 450, फिर 500, यानी 500 के आगे नहीं जाएगा ना उसका, तुम्हें पता है कि नहीं, बोलो, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा ना। यानी इसमें पदों की संख्या निश्चित है कि भैया 50-50 रुपए हर महीना बचा रहा है, तो वो 10 महीना में क्या करेगा, 500 रुपए बचाएगा, इसमें पदों की संख्या निश्चित है, इसके आगे अब श्रेणी नहीं जाने वाली। यानी ये क्या बन रही, एक समांतर श्रेणी तो बन रही है, क्योंकि सबके बीच का डिफरेंस जो है 50-50 का है, लेकिन ये निश्चित है, मतलब ये अनंत काल तक फैलेगी नहीं, समझ रहे हो, ये हो गया। अगला भी लिख लो फिर, अनिश्चित वाला वो भी देख लो, अनिश्चित कैसे होता है वो भी देख लो भैया, समझ लो बाबू। चलो देखो अनिश्चित काल वाला लिखो, अगला लिखो अपरिमित, अपरिमित समांतर श्रेणी, ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित होती है, ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित होती है,
वो अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाती है, ये जिसे बोलते हैं क्या इंग्लिश में, रुक जाओ, इनफाइनाइट ना, हाँ जिसे इनफाइनाइट एपी बोलते हैं, ठीक है लिख लो बेटा, जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश वाले लिख लें, इनफाइनाइट एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे छोटा सा मैंने लिया ये, भैया ये में कुछ निश्चित नहीं है, तुम इसमें हमेशा सात सात जोड़ते जाओ और अगला नंबर पद पाते जाओ, चाहे जब तक पाते जाओ, जिंदगी भर बूढ़ा जाओ तुम, चाहे तुम्हारा खानदान बुढ़ा हो जाए, ये खत्म नहीं होने वाला, इसमें पदों की संख्या निश्चित है ही नहीं, इसमें केवल सात सात जोड़कर अगला पद निकाला जा सकता है, और कब तक निकाला जा सकता है इसको ब्रह्मा भी बता के नहीं गए थे, नहीं चाहे जब तक निकालो। तो ये क्या होती है, अपरिमित समांतर श्रेणी होती है, बात समझ में आया। ये सारा कॉन्सेप्ट है जो अभी तुम देख रहे हो। इसके बाद अब हमें पढ़ना है बेटा चैप्टर आपका 5.1, क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 5.1 पढ़ना है, यानी हमने आपको युद्ध के लिए तैयार कर दिया है। हाँ आप युद्ध में दाएं दाएं मार कर सकते हो, यानी समांतर श्रेणी का सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में मैंने भर दिया है, अब क्वेश्चन तुम उड़ा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे लाके पटक देता पहली पहली बार, तो तुम क्या करते, तो तुम बकरी जैसे मुंह बना के भया भया करते वहीं पे, है ना। देखिए क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है, एपी क्या है, कैसे समझते हैं, इनके खानदान क्या हैं, परदादा दादा के बारे में मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में सब बता चुका हूँ, नहीं देखे हो तो उसको जरूर देख लेना एक बार, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इसका, देखो ये तो इनका स्ट्रक्चर है कि करना क्या है, ये इसका मुख्य क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है, यानी एक टैक्सी है जो कहीं जा रही है और वो कहाँ जा रही है, कितना दूर जाएगी इसका कुछ अता पता नहीं है, लेकिन प्रथम किलोमीटर जब उस पर यात्री यात्रा करेगा तो उसे 15 रुपये खर्चा करना होगा, एक किलोमीटर जाएगा, एक किलोमीटर के बाद वो जितना भी और दूर जाएगा उसे 8 रुपये हर किलोमीटर का अतिरिक्त देना होगा। तो ये जो कंडीशन बन रही है, क्या ये समांतर श्रेणी बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी या नहीं होगी, यही तुम्हें बताना है। तो चलिए सारी इनकी कहानी हम आपके सामने ला के रखते हैं, इनका सलूशन हम इधर खाली जगह में करेंगे, ठीक है। सलूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, लिखो प्रथम किलोमीटर का टैक्सी किराया, ठीक है, टैक्सी किराया मैं शार्ट में लिखूंगा, ठीक है। तो प्रथम किलोमीटर का टैक्सी किराया कितना है भैया, 15 रुपये है, ओके। अब यहाँ पे लिखोगे आप सेकंड किलोमीटर का टैक्सी किराया, देखिए सेकंड किलोमीटर का टैक्सी किराया जो होगा 15 रुपये तो मूल है ही पहले से, उसमें 8 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, तो यानी 15 + 8 बराबर 23 रुपये, यानी द्वितीय किलोमीटर का टैक्सी किराया 23 रुपये होगा। इसी तरह से आपका थर्ड किलोमीटर का टैक्सी किराया, थर्ड किलोमीटर का क्या होगा, 23 तो पहले से है प्लस 8 रुपये इसमें जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 31 रुपये, कितना हो जाएगा 31 रुपये। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो चौथे किलोमीटर का टैक्सी किराया, ठीक है, यानी हर किलोमीटर का 8 रुपये बढ़ता जा रहा है, जैसे महंगाई बढ़ रही वर्तमान में, हाँ LPG पेट्रोल बढ़ रहा है वैसे ही। तो अगला क्या कितना हो जाएगा, 31 + 8 मतलब 39 रुपया। देखिए अगर ध्यान दीजिए तो एक सीरीज बन रही है, पहला 15, दूसरा 23, तीसरा 31, चौथा 39 बन रही है ना। अब नीचे आप लिखोगे अतः श्रेणी बराबर, अतः अब श्रेणी श्रेणी बराबर 15, 23, 31, 39 बन रहा है ना। अब क्या करोगे, इनको देखो सर्वांतर इनमें निकालो भाई, अभी पता नहीं एपी है कि नहीं है,
इसमें आठ है, इसमें भी आठ है, इसमें भी आठ है, सब में आठ आठ है ना। नीचे लिखो प्राप्त श्रेणी का सर्वांतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी होगी। लिख लीजिए प्राप्त श्रेणी का सर्वांतर अर्थात डी यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल है, अतः यह समांतर श्रेणी होगी। इतना लिखना है, ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। इसके सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग एनसीईआरटी किताबें लिए होंगे, बहुत अच्छा होगा, है ना, तो ज़्यादा बेहतर है। सेकंड क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। कह रहा कि किसी बेलन में उपयुक्त हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन मैंने सामने आपके लिख दिया है, अब इसे आप लोग पढ़ सकते हो। कह रहा कि किसी बेलन में, बेलन का मतलब सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जैसे अभी आपने देखा था टैक्सी किराया वाला, वैसे ये भी है। उसमें टैक्सी किराया प्रत्येक किलोमीटर पर बढ़ रहा था, इसमें प्रत्येक बार टोटल हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। अब बेलन में हवा कितना है, वायु का प्रेशर कितना है, ये नहीं दिया है। हमें क्या दिया है, कह रहा है कि बेलन के अंदर जो उपस्थित हवा है उसकी मात्रा का 1/4 भाग वो पंप बाहर निकाल दे रहा बस। तो भैया बेलन में हमें कुछ अता पता है नहीं, इसमें है क्या, तो हम मान लेते हैं कि बेलन का जो आयतन है इसमें हवा का, भाई हवा की मात्रा तो मुझे पता नहीं है, तो हम इसका आयतन मान लेंगे, ठीक है। माना इसमें जो बेलन का आयतन है यानी टोटल हवा जो है वो कितना है, V है, क्योंकि आयतन को V से डिनोट करते हैं, है ना। अब प्रश्नानुसार देखिए, जैसे जैसे ये कह रहा वैसे वैसे हमें करना है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो बेलन में हवा निकालने वाला पंप है, जिसको मतलब प्रेस करते हैं, तो 1/4 भाग वो बाहर निकाल दे रहा है। तो भैया जो उसमें टोटल हवा है यानी V से, वो क्या कर रहा है, V का 1/4 भाग बार बार वो क्या करता है, बाहर फेंक दे रहा है। तो इनको हल कर लो, कितना बचेगा पहली बार में, V माइनस ये V अपान 4 आ जाएगा भैया, हाँ कब बाबू यही हो जाएगा ना, घटा लो इसको, तो ये 3V/4 बचेगा। ये पहला स्टेप में 3V/4 बचेगा, क्योंकि हमें एक सीरीज बनाना है ना। तो जैसे टैक्सी किराया में हमने निकाला था पहला किलोमीटर का, दूसरा तीसरा चौथा चार पांच स्टेप निकाला था, तो वैसे ये पहली बार में तो इतनी हवा बची है, लेकिन अब जितनी हवा बची है इसका 1/4 भाग वो बेलन फिर से बाहर फेंक देगा, कितना, 1/4 भाग। तो ये तो पहली बार में हो गया, अब दूसरी बार में करेंगे, तो दूसरी बार में भाई ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, कहीं भी लिख सकते हो कुछ भी, चाहे तो ये आपका पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप वैसे हल तो मुझे ऊपर ही करना पड़ेगा, इसको मैं मिटाऊंगा। अब ये याद रखना, पहला स्टेप में आपका 3V/4 आया है, इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटाऊंगा इसे अब, ठीक है। तो अब दूसरा स्टेप में आ जाओ, ये जो 3V/4 हवा की मात्रा बच रही है, इसका भी 1/4 भाग वो पंप फिर से बाहर निकालेगा, तो कितनी हवा बचेगी, चलो दूसरे वाले स्टेप में देख लो, मैं इसको बी मान लेता हूँ। तो 3V/4 से कितना निकलेगी हवा, कितना, जितनी उसमें है उसका 1/4। तो भैया टोटल हवा तो इतना है, तो इसमें से 3V/4 का 1/4 भाग, मैंने सही लिखा है ना, टोटल हवा की मात्रा ये थी, तो इसका 1/4 इसमें से घट जाएगा, कम हो जाएगी। तो चलो, तो ये आपका 3V/4 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा भैया, 3V/16, क्यों यही हो जाएगा ना, हाँ घटा लो इनको, इनका एलसीएम 16 आ जाएगा, 4 से भाग करोगे ये 12V माइनस 3V आएगा, फाइनल में 9V/16, यानी इतनी हवा बच रही है दूसरे स्टेप में। पहले स्टेप में टोटल हवा V थी, दूसरे में उसका 1/4 निकलने के बाद 3V/4 बची थी, तीसरे स्टेप में हवा की मात्रा कितना बचेगी अब,
ये जो बची है तुम्हें दिख रही है, इसको एक स्टेप और आगे कर लो, करें कि ना करें। वैसे तीन मिल गया है, श्रेणी बन जानी चाहिए ना, जाने दो। अब श्रेणी लिखो क्या बनी, आता श्रेणी वी 3b/4 और 9b/16। इन तीनों में अगर आप सर्वांतर निकाल के देखो तो कहीं भी बराबर नहीं आएगा। चलो निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको लिखते चलिए, मैं सर्वांतर भी निकाल रहा हूँ, जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए अगर आप नहीं लिख पाते इतना जल्दी, तब वीडियो को रोक करके, वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या करना है भैया साहब, सर्वांतर निकालना है ना, ठीक है, सर्वांतर डी कैसे निकालते हैं, a2 - a मतलब दूसरा पद से पहला पद को घटाना है, तो दूसरा पद इसमें क्या है हमारे पास 3b/4 है, इसमें से पहला पद b को घटाएंगे, सबट्रैक करना हम सबको आता है, इनका तिरछा गुणा करो, हाँ आप सबको आता है, ये -v/4 आएगा। अब अगर ये भी हल करना नहीं आता, नाइन्थ में पहुँचे हो तो क्या जानते हो, 1 का इसमें गुणा करो, 4 का इसमें करो, तो 3b-4b/4 हो जाएगा, इतना आएगा। ये तो पहला स्टेप आया, अभी इसमें समझ में नहीं आएगा ये श्रेणी है या नहीं है, इसके लिए एक सर्वांतर तो कम से कम और निकालना पड़ेगा, तो भाई एक और निकालो, तो a2-1 किया था हम, इसको a3-2 कर लेते हैं, यानी तीसरा वाला पद से दूसरा वाला पद घटाएंगे, तो तीसरा वाला पद है 9b/16 -3b/4। इन दोनों को घटा के देखो, इन दोनों को जब हम घटाएंगे, मैंने घटाया था तो -3b/16 आएगा, कितना आएगा, -3b/16 आएगा, यानी जो पहला सर्वांतर आया था v/4, जो दूसरा सर्वांतर आया है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं, दोनों बिल्कुल अलग है, हाँ दोनों बिल्कुल अलग है ना, तो हम नीचे लिख सकते हैं, चूंकि डी का मान बराबर नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, जल्दी करिए नोट कर लीजिए, क्योंकि डी का मान बराबर नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। सही दिख तो रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, चलो जल्दी कर लो भाई, मैं हट गया हूँ सामने से। नीचे क्या लिखना है, चूंकि सर्वांतर डी का मान बराबर नहीं है, अतः दी गई श्रेणी ये समांतर श्रेणी नहीं है। ओके, तो अब इसका थर्ड पार्ट पे आ जाओ भाई। देखो थर्ड पार्ट कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की लागत ₹150 है और इसके बाद की जो खुदाई की लागत है वो प्रत्येक मीटर ₹50 की दर से बढ़ती जाती है। भैया जैसे पहला अभी मैंने टैक्सी किराया वाला करा था बाबू, वैसे ये होगा, इसको तुम खुद से करोगे, मैं नहीं बताने वाला, ये थर्ड पार्ट होमवर्क रहेगा। जैसे पहला टैक्सी किराया वाला था एकदम वैसे है, बिल्कुल थोड़ा भी अलग नहीं है, तो आप लोग इसे करोगे, ठीक है, सभी समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, क्लास की क्वालिटी वगैरह में कोई समस्या है तो बता देना, डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। हाँ भाई अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्लियर, कुछ ज़्यादा चमक दमक आ रही है का, सही है ना। तीसरा आप लोग होमवर्क करोगे, चौथा मैं खुद करवाने चल रहा हूँ, ध्यान से देखिए इसका जो फोर पार्ट है बच्चा, देखो कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ये जैसे पहला किया था टैक्सी किराया वैसे है, लेकिन थोड़ा अलग है, इसलिए मैं करवा देता हूँ। इसका सलूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, देखिए कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ लो क्या कह रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि ₹10,000 की राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। आप लिखो शुरुआती राशि बराबर, या फिर ओपनिंग बैलेंस, शुरुआती
राशि। तो भैया शुरू शुरू में राशि कितना रुपए थी खाते में? 10,000 रुपया। ठीक है, कह रहा कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से जमा की जाती है, तो एक साल बाद। भाई वार्षिक कह रहा है ना, साले भर में तो ब्याज बढ़ेगा, ये तो नहीं कल बढ़ जाएगा, परसों भी बढ़ जाएगा, तब तो फिर बर्बाद हो जाएंगे सब। हाँ, अब लिखोगे एक साल बाद राशि बराबर, एक साल बाद राशि बराबर, ये 10,000 है प्लस इस 10,000 का 8%, का मतलब गुड़ा, इसलिए मैं गुड़ा लगा दे रहा हूँ। ठीक है, इसका 8% निकाल लो। तो चचा तुम लोग पढ़े लिखे हो, 10,000 का 8% कर सकते हो, 800 रुपये आएगा, कर लेना। इतना पढ़े लिखे हो, मैथमेटिक्स पढ़ाया हूँ, तो फाइनल में ये 10,800 रुपया हो जाएगा एक साल बाद। ठीक है, अब दो साल बाद राशि कितना होगी? एक साल बाद राशि तो 10,800 रुपये हो जाएगी, दो साल बाद इस टोटल राशि का 8% होगा बच्चा, यानी 10,000 का तो 8% होगा ही, प्लस जो बियाजिया लग रही 800 रुपया ना, इसका भी 8% होगा। मतलब कितना होगा जानते हो? 864 रुपये। यानी 800 ब्याज तो 10,000 का जुड़ेगी ही, जैसे यहाँ जुड़ी है, लेकिन 800 रुपये का 8% भी 64 रुपये होगा। ठीक है, तो अगले साल वाला लिखो, ऐसे बनेगा कुछ कुछ ऐसे बनेगा बच्चा, 10,000। हाँ, ये 10,000 है ना, का आगे लिखो 10,000 का, या फिर ऐसे लिख दो 10,800 प्लस, ऐसे लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसी में जुड़ेगा। लिखो लिखो 10,800 प्लस 10,800 का 8%, ये इसका हकीकत है, सच्चाई है। जैसे ऊपर लिखा था ना 10,000 प्लस 10,000 का 8%, वैसे ये भी है। तो भैया हो 10,800 ऐसे रहेगा, इसका निकालोगे जब 10,800 का 8%, तो 864 रुपया होगा। इस तरह से इनको जोड़ोगे 11,664 रुपया होगा। क्यों, सही जुड़ रहा है ना? अरे भैया 200 रुपये में और ले आओ तो ये 11,000 होएगा, 664 रुपये हो गया। इसको इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटा करके फाइनल में लिखूंगा। ठीक है, सारणी बनाना है बस, अब हो गया। अगली लाइन में इनकी सारणी बनाओगे, पहला पद ये 10,000 है, दूसरा पद 10,800 है, तीसरा पद है 11,664। चलिए हो गया, अब लिखिए अतः सारणी बराबर, लिखिए जल्दी जल्दी, अतः सारणी बराबर। बहुत ही दिल से और दिमाग से पढ़ना है, ये पढ़ने वाली चीज है ना। कुछ बच्चे जो कमेंट किए जा रहे हैं, डंडा किए जा रहे हैं, मर कट जा रहे हैं कमेंट में, बेटा पढ़ लो, मैं कमेंट में तुम्हारा एक नाम नहीं बोलने वाला। नाम मैं देख रहा हूँ या नहीं देख रहा हूँ, तुम जो भी समझ लो, आज मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि पढ़ने वाले सिर्फ पढ़ रहे हैं। अतः सारणी बराबर, पहला क्या था 10,000, फिर 10,800 आया, फिर 11,664 आया, ऐसे आया ना। जरा एक मिनट सोचो, क्या ये समांतर श्रेणी है? इनका सारबांतर निकालो, इन दोनों को घटाओ आपस में, 800 आएगा, इनको घटा लो, इसमें भी 800 आएगा, बराबर आ रहा है ना। यानी क्या है, ये समांतर श्रेणी है। यहाँ पे लिखो अतः सारबांतर बराबर, घटा लो, लिख लो, जब आ ही रहा है तो घटा लो। हाँ, 800 आया, नीचे लिखो, एक बार और सारबांतर निकाल लो, सारबांतर डी बराबर, दूसरा वाला भी निकाल लो, क्योंकि हमें तो वेरीफाई करना है ना, क्लियर करके कि सही है कि नहीं सही है, दोनों स्थिति में बराबर आ रहा है। नीचे लिखो चूंकि सारबांतर डी का मान बराबर आ रहा है, सारबांतर डी बराबर आ रहा है, अतः
यह एक समांतर श्रेणी है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। लिख लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। बहुत जल्दी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी करिए फास्ट, पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हो चुके हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हो गए, दूसरा क्वेश्चन आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे थे तो दोस्तों में इसे शेयर जरूर करो, ठीक है। हाँ, दूसरा वीडियो मतलब क्वेश्चन आप नेक्स्ट पार्ट में देखोगे तो शेयर जरूर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, जिससे कि आपको सारी क्लासें मिल सकें यूट्यूब पे। अगर आपने एप्लीकेशन में कोर्स लिया है तो नोट्स बनाइए, ठीक है। हाँ, नोट्स जरूर बनाओ भाई, जिससे सब बेहतर हो सके। क्लास टेंथ का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए क्या कहता है। दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सर्वांतर निम्न है। यानी हमें फर्स्ट पद दिया है और सर्वांतर दिया है, और इसी आधार पर हमें क्या करने हैं, हमें अगले पद चार पद बताने हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं किसी भी एपी का अगर सर्वांतर दिया है तो उसका अगला पद निकालने के लिए सर्वांतर क्या करते हैं, उसमें जोड़ जोड़ के निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। प्रथम पद जिसे हम ए से डिनोट करते हैं वो 10 दिया है, तो दूसरा पद क्या होगा। द्वितीय पद बहुत आसान है निकालना, आपको क्या करना है, प्रथम पद में सर्वांतर जोड़ देना है, हाँ दूसरा पद आ जाएगा। तो ये दोनों 10-10 दिया है संयोग से, दूसरा पद 20 हो गया। इसी तरह से तृतीय पद, यहाँ से देख लो, तृतीय पद बराबर क्या हो जाएगा, आपका जो दूसरा पद आया है यानी ए टू, उसमें आपको डी जोड़ देना है, यानी 20 आया है धन 10 जोड़ देना है, 30 हो गया। इस तरह से तृतीय पद आ गया। अब चौथा पद, ऐसे ऐसे हम जितने पद चाहें उतने पद निकाल सकते हैं, है ना। तो चौथा पद बराबर ये तीसरा पद में आपको डी जोड़ना है, तो तीसरा पद 30 आया है, डी का मान 10 आया है, बराबर 40 हो गया। इस तरह से आपका पहला पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40 आ गया, ठीक है। यही करना था, बाकी और कुछ नहीं करना था, इसमें ऐसे ही कर देना है। तो ये आपका हो गया क्लियर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट। उम्मीद करते हैं इस तरह से आप लोग सारे कर लेंगे। इसमें ए का मान -2 दिया है, ए का मान -2 दिया है और डी का मान 0 दिया है। तो इस तरह से दूसरा पद आप बड़े प्यार से कर लोगे, तीसरा भी कर लोगे, चौथा भी कर लोगे और सारे पद आप ऐसे ही निकाल लोगे, है ना। अगर किसी को कोई प्रकार की समस्या है तो बता दो। जो कमेंट बॉक्स में परेशान हो रहे हैं बेटा चैट में, देखो पढ़ाई कर लो पहले तो बेहतर रहेगा। मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ जो हैरान परेशान है, सबका देख रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई कर लो तो अच्छा है। ये चैटिंग वैटिंग तभी मज़ा आएगी ना, पढ़ लो। चलो, इसमें प्रथम पद दिया है, हम सबको दिख रहा है, ए बराबर कितना दिया है -2। अब द्वितीय पद निकाल लो, द्वितीय पद ए में डी जोड़ोगे तो ए का मान -2 दिया है, डी का मान 0 दिया है, तो द्वितीय पद भी क्या हो जाएगा -2। इस तरह से तृतीय पद निकालोगे तो दूसरे पद में डी जोड़ोगे, दूसरा पद भी क्या है, वही दिया है। चौथा पद भी ऐसे हो जाएगा, चौथा पद बराबर इसमें तीसरा पद में डी जोड़ोगे, जब सब एक है दिया है तो एक है आएगा। इस तरह से आपका ये क्या बन गया, ये प्रथम पद बन गया, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद और ये चौथा पद, सभी -2 आए हैं। कितने आए हैं, सभी -2 आए हैं, याद रखना। इसमें माइनस लगा है सब में, दो में। ये आपका दूसरा पार्ट भी हो गया। इस तरह से प्यारे बच्चा, इसमें का जितना भी दिया है तीसरा चौथा सब कर लोगे घर से। थर्ड वाला होमवर्क है, देख लो इसको घर से करना, अब मैं नहीं बताने वाला हूँ। ए बराबर 4 दिया है और डी बराबर -3 दिया है,
इनको कर लेना और फिर मुझे बताना। ए बराबर माइनस वन दिया है, सी बराबर वन अपॉन टू दिया है, इन दोनों को खुद से करना है इसी तरह से। उम्मीद करते हैं कि हर कोई कर लेगा ना, प्रत्येक बच्चा बच्ची कर लेगी, इसे किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन ख़त्म हो गया, अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। आप लोग ये बताओ कि एनसीईआरटी किताबें लिए हो कि नहीं लिए हो? क्यों भाई, लिए हो ना किताब, एनसीईआरटी वाली किताब लिए हो ना? तो तीसरा क्वेश्चन पढ़ो झटाझट। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म्स एंड उनका कॉमन डिफरेंस आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो मुख्य क्वेश्चन है पहला पार्ट वो देखो यहाँ पे, ये थ्री है, वन है, माइनस वन है और माइनस का थ्री है, ये आपकी सीरीज दी गई है, ठीक है। इसी बेस पर आपको सब बताना है। भैया इसमें प्रथम पद बहुत आसान होता बाबू, जो सहाँ से श्रेणी शुरू होती जहाँ से वही प्रथम पद होता है, जो कि तीन हो गया। दूसरा आपको सर्वांतर बताना है यानी कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं। इसके लिए आपको कोई भी मतलब बाद वाला पद से पहले वाला पद घटा देना है। तो चलो माइनस तीन से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं माइनस वन को, तो ये माइनस तीन और प्लस वन इक्वल माइनस दो आ जाएगा। ये तो मैंने एक पे ट्राई किया, पता नहीं सही है कि गलत है, तो मैंने इसमें से इसको घटाया है। अब हम इसमें से इसको भी घटा के देख लेंगे, सर्वांतर दोबारा निकाल लेंगे, चाहे जितनी बार निकालो उतना ही आना चाहिए। तो वन माइनस थ्री इक्वल माइनस टू तब भी आ रहा है, यानी माइनस दो सर्वांतर यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यानी कन्फर्म होता है कि सर्वांतर माइनस दो ही होगा। अब अगर सर्वांतर माइनस दो है तो इसके आगे के और भी पद हम लिख सकते हैं, माइनस दो जोड़ जोड़ कर। देखो तीन है, तीन में माइनस दो जोड़ा एक हो गया, एक में माइनस दो जोड़ा तो माइनस वन हो गया, माइनस वन में माइनस दो जोड़ा माइनस तीन हो गया, इसमें माइनस दो जोड़ेंगे तो ये माइनस पाँच हो जाएगा, और फिर ये माइनस सात माइनस नौ, ऐसे ऐसे ये पद बढ़ते चले जाएंगे। बात समझ में आई सबको ना? हाँ, ये नए पद हैं। इसी पर आधारित आपको सेकंड पार्ट भी करना है। सेकंड पार्ट देखिए, माइनस पाँच माइनस वन और ये थ्री और ये सेवन। अगले पार्ट आप खुद से बता सकते हो अगर आपको डी का मान याद हो गया, आ गया समझ में तब। चलो जल्दी मुझे बताओ नेक्स्ट पद क्या आएगा इसमें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमें सिर्फ फर्स्ट पद ए और सर्वांतर डी निकालना है बस, बाकी कुछ ना निकालना है। चलिए रेडी हो जाइए। पहला पद यानी ए का मान बोलिए क्या आएगा। जो बच्चा कमेंट कर रहा है, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ, लेकिन देखो यार पढ़ाते टाइम बहुत डिस्टर्ब होता बाबू, अगर तुम लोग का कमेंट देखा जाता है तो दिमाग घूम जाता है, इसलिए पढ़ लो। पहला पद क्या है, जहाँ से श्रेणी शुरू होती है वो पहला पद होता है। कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालने के लिए कोई भी दूसरा वाला पद से पहले वाले पद को घटा लेते हैं, चाहे दूसरा वाले से पहला वाला या तीसरा वाले से दूसरा वाला या चौथे वाले से तीसरा वाला पद, ऐसे निकालते हैं। तो हम माइनस वन से माइनस का पाँच घटा लेंगे, इस तरह से माइनस वन और ये प्लस का फाइव इक्वल फोर आएगा, क्या आएगा फोर। हो सकता है ये कॉमन डिफरेंस सही हो या ना सही हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक ठीक और ट्राई कर लो। चलो दोबारा से, तो तीन में से क्या घटाओगे, माइनस का वन घटाओगे बाबू, तो ये आपका तीन धन वन इक्वल फोर तब भी आएगा, चाहे जितनी बार कर लो तुम सर्वांतर वही आएगा। चार यहाँ पर आया था, यहाँ पे चार ही आया है, अगर तुम सात से तीन घटाओगे तब भी चार ही आएगा। तो बस यही दो चीज़ें निकालनी थी आपको, ए निकालना था और डी निकालना था, हो गया। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट भी आप लोग करोगे, वन अपान थ्री एंड फाइव अपान थ्री, नाइन अपान थ्री
एंड 13/3 करके और इसके आगे के पद खुद से बताना, ठीक है। थर्ड वाले के बाद में आप फोर वाला भी करोगे, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ये भी खुद से आप करोगे जैसे इसको करोगे। तो इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आएगा आपका फोर नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा आएगा? फोर नंबर क्वेश्चन। देखिए, एक एक क्वेश्चन आप बड़े ही प्यार से लगाएंगे, आपको सब आएगा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन फोर क्या कह रहा है, जल्दी ध्यान से देखिए। कह रहा कि नीचे दिए गए जो सारणी हैं इनमें कौन कौन एपी में है, और अगर एपी में है तो इनका सर्वांतर भी ज्ञात कीजिए, कॉमन डिफरेंस भी बताइए। अब ये एपी मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं इसके पहले, ज़रूरत है नहीं इसमें बताने की। फिलहाल थोड़ा बता देते हैं कि अगर कोई सीरीज बन रही है तो वो एपी है, नहीं बन रही तो नहीं है। देखते हैं इसमें क्या है, ये एपी है कि नहीं है। अगर इसका सर्वांतर दो बराबर आता है तो एपी है, नहीं तो नहीं है। सर्वांतर के लिए क्या करते हैं, दो पद आपस में घटाते हैं, इनको अगर इसमें से घटाएंगे तो दो आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि दो में दो जोड़ने पर चार आया है। और अगर हम चार और आठ का कंपेयर करें तो बेटा इसमें चार जोड़ने पर ही आठ आया, और अगर अगला वाला पद में चलें तो इसमें आठ में आठ जोड़ने पर 16 आया है। यानी जो इसके सर्वांतर हैं, यहाँ पर दो है, चार है, फिर आठ है, दोनों सर्वांतर सब अलग अलग आ रहे हैं, कहीं भी सर्वांतर बराबर नहीं है, है ना। तो ये एपी नहीं है, लेकिन इसे सिस्टम से कैसे लगाएंगे, ये तो मैंने एक प्रकार से ओरल लगा लिया, हाँ, इसे सिस्टमेटिक कैसे लगाएंगे वो चीज़ यहाँ पे देखो। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वांतर, नहीं तो श्रेणी दी गई है, थोड़ा और सुंदर सा लिख लेते हैं, जाने दो, लिखो यहाँ पे हल, हाँ, प्रथम पद ए बराबर, जहाँ से श्रेणी शुरू है ये प्रथम पद है, सर्वांतर निकालेंगे, सिस्टम से ही कर लेते हैं, सर्वांतर को डी से डिनोट करते हैं, ए टू माइनस ए मतलब दूसरा पद से पहला पद घटाना है तो चार है माइनस दो, बराबर कितना आया, दो आया। अब एक है सर्वांतर में सब कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कम होने का चांस है, और हम एक से अधिक सर्वांतर निकालेंगे तभी यहाँ पर फाइनल कुछ करेंगे कि ये ए पी है या नहीं है। तो एक तो हो गया, दूसरे पे आओ, सर्वांतर फिर से निकालो। भाई हमने क्या किया, दूसरा पद से पहला पद घटाया था, अब तीसरा पद से दूसरा पद घटा लो, तीसरा पद आठ है, दूसरा पद चार है, बराबर क्या आया, चार आया। यानी सर्वांतर अलग अलग आ रहा है, यानी ये क्या है, ए पी नहीं है। इतना करने के बाद आपकी कॉपी में नीचे जगह होगी तो आप नीचे ही लिख लेना, क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, चूँकि सर्वांतर डी ब्रेकेट में लिख लेना बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अतः यह श्रेणी समांतर नहीं है, ठीक है। ये मैं सब में नहीं लिखवाऊंगा, एक में लिखवा दे रहा हूँ पहले में। तो ये आपका फर्स्ट क्लियर हो गया। इसके सेकंड पार्ट्स भी हैं, थर्ड पार्ट भी हैं, कई पार्ट हैं, बहुत जल्दी इन्हें आप लिख लो, उसके बाद हम अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी करिए, आज मैंने बहुत नए तरीके से इनको रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाँ चलो जल्दी, चलो फटाफट बोलो और फिर हम लोग आगे बढ़ें, चलो ओके गुड। देखो यहाँ पे समझो, अगला नेक्स्ट, इसको मैं मिटा रहा हूँ भाई, देखो आपके सामने ही मिटाऊंगा, सामने ही लिखूंगा, यू डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हाँ। ठीक है ओके, तो सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ बेटा। हाँ चलो देखो यहाँ से समझो, मार्कर पेन कहाँ गई मेरी, वहाँ भाग गई, एक सेकंड,
देखो सेकंड वाला पार्ट देखो क्या कह रहा है। दो पांच बटा दो तीन सात बटा दो। ध्यान दीजिए और इसमें बताइए, कोशिश करिए क्या है कैसे है, ध्यान दीजिए और बताइए मुझे। चलिए देखिए, यहाँ पर आप सबसे पहले हल लिखोगे और आप सबसे पहले क्या करोगे, प्रथम पद लिखोगे, ठीक है। तो प्रथम पद a बराबर क्या दिया है बाबू, दो दिया है। उसके बाद आप सर्वांतर निकालोगे, क्या निकालोगे, सर्वांतर d निकालोगे। हाँ अब देखो समझो, d कैसे निकालोगे, आप a2 से a घटाओगे, a2 माइनस a, a2 क्या है 512 है माइनस 2, ओके। अब इसे क्या किया मैंने, मन कर दिया भाई, सीधी सी बात है, आप ऐसे जान लो पाँच बटा दो का मतलब है ढाई, ढाई से दो घटाओगे आधा आएगा, मतलब एक बटा दो आएगा। तिरछा गुणा करोगे तो आपका एक पच्चे पाँच, दो दूना चार, भिन्न हल करना जानते हो, इतने बच्चे हो नहीं। फाइनल में वन अपान टू आएगा, कितना आएगा, वन अपान टू, ठीक है, वन अपान टू। देखो ध्यान से इसको इतना लिख लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलो आगे बढ़ें, ये हो गया। देखो एक ही सर्वांतर निकालने के बाद में यहाँ पे कुछ भी फाइनल नहीं हो रहा है। अभी क्या कह रहा है कि एपी है या नहीं है, कोई चोर है या बेईमान है, ये आप ऐसे नहीं कह सकते हो बिना किसी दो तीन कारण के। हाँ कई जगह पहले उसे ट्राई किया जाता है, कुछ एविडेंस ढूंढे जाते हैं तब कह सकते हैं ना। तो ये एक ही सर्वांतर पे हम कुछ नहीं कह सकते कि एपी है कि नहीं है, एक से अधिक निकालेंगे। नीचे यहाँ पर और आगे मैं लिख सकता हूँ क्या, हाँ नीचे तो काफ़ी जगह यार, तब तो मैं एक और भी लिख सकता हूँ अभी, ठीक है। देखो समझो यहाँ आगे समझो, सर्वांतर एक और भी हम निकाल सकते हैं, सर्वांतर डी। देखो ए टू से हमने ए घटाया था, ए थ्री से हम ए टू घटा सकते हैं, हाँ ए थ्री से ए टू घटा सकते हैं। तो ए थ्री मतलब तीसरा पद से आपको दूसरा पद घटाना है, ठीक है। तो भाई कर लो, नीचे जगह है, तीसरा पद आपका क्या है, थ्री है, माइनस आपका ये फाइव अपॉन टू है। यानी आप ये कह सकते हो इसमें फाइनल में कि आपका तीन से ढाई घटाना है, भाई तीन से ढाई घटाओगे वैसे भी आधा आएगा, तो ये भी क्या आएगा, वन अपॉन टू आएगा। हमने क्या किया, दो जगह सर्वांतर निकाला, दोनों जगह क्या आया, बराबर आया। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि ये क्या है, एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, हो गया। सर्वांतर ज्ञात करना था, सर्वांतर ये ले लो, प्रथम पद हो गया, ये सर्वांतर हो गया, बस यही आंसर भी हो गया, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना है। इसका थर्ड पार्ट, चलो अगला पार्ट देखो, अगले पार्ट्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, जितने भी पार्ट्स इसमें करवाए जा रहे हैं तुम्हें हर एक पार्ट करना होगा बेटा, तभी कुछ होने वाला है, ठीक है। ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, अभी इसमें और भी क्या कह रहा था कि ये एपी में है या नहीं है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, पहले तो ये बताना है। और ये बताने के बाद आपको अगर ये एपी है तो इनके नेक्स्ट थ्री टर्म्स और भी निकालने हैं, मतलब तीन पद और बताना है। तो भैया पहला स्टेप तो मैंने कर लिया था, ये दूसरा तो मैंने शक के आधार पे निकाला था, इसे मिटा देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। यानी हमारा पहला आंसर हो गया सर्वांतर वन अपॉन टू, एंड देन वी फाइंड नेक्स्ट थ्री टर्म्स, ठीक है। तो अब इसको तो इतना मैं मिटा दे रहा हूँ, ये मतलब आधा पार्ट हो गया, इसके आधे में आप लोग आगे लिखो। अगले तीन पद इस प्रकार हैं, अगले तीन पद इस प्रकार हैं, कैसे, देखो यहाँ से समझो। पहला पद हेडिंग लिखो चुपचाप, अच्छे से लिखो, अगले तीन पद, तीन पद। तो देखो भैया पहला पद क्या होगा, कह रहा था ये जहाँ तक दिया है उसके आगे के अगले तीन पद लिखिए, समझ रहे हो ना। तो चलो देखो, तो ये 2 है, 5 अपान 2 है, 3 है, 7 अपान 2 है, तो ये 7 अपान 2 में सर्वांतर ऐड करेंगे 1 अपान 2, यानी साढ़े तीन में
आधा जोड़ोगे बच्चा तो चार हो जाएगा, तो ये फाइनल में हो जाएगा चार ही आएगा, लेकिन मैं इसको लिखूंगा इसी की भाषा में। तो ये देखो हर हर बराबर है, अंश अंश जुड़ जाएगा तो ये 8/2 आएगा, बस मैं ऐसे ही रहने दूंगा। दूसरा पद, जैसे कहते हैं ना पंडित को दक्षिणा से काम, वर मरे चाहे कन्या, तो हमें इसको पूरा करने से मतलब है। ये आगे तुम हल करो या ना करो तुम्हारा मतलब, इस पे छोड़ दोगे तब भी नंबर पूरा मिलेगा, टेंशन मत लेना कि हम ऐसे मतलब बेगारी कर रहे हैं, नहीं उतने पे ही छोड़ देना है। तो अब ये तो हो गया आपका, इसके आगे का अगला पद, यहाँ पे छोटा फल लिख लो 8/2, इसके आगे का क्या होगा भाई, इसी में जोड़ेंगे, हाँ आने वाली पीढ़ी इन्हीं के आधार पे चलेगी, इसमें 1/2 जोड़ेंगे। देखो अगर इसको हम चार लिख लिए होते तो यहाँ जोड़ने में मुसीबत आती, इसलिए मैंने इसको क्या किया 4 नहीं लिखा, जैसे था वैसे छोड़ दिया। अब इसको यहाँ पे जोड़ना आसान है, ये 9/2 हो जाएगा, क्योंकि हर हर जुड़ जाएगा, अंश वैसे ही रह जाएगा, खोपड़ी उल्टी चल रही है, अंश अंश जुड़ जाता हर वैसे रह जाता है, तो ये 9/2 हो गया। नीचे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो गरियाना मत, मैं अभी कैमरा नीचे ऊपर कर दूंगा, सब्र बनाए रखो। ये 9/2, इसमें भी 1/2 ऐड करेंगे, ये 10/2 हो जाएगा। तो ये इनके आगे के तीन पद हो गए, पहले चाचा ये हो गए, दूसरे हो गए, तीसरे हो गए, इन्हीं के आगे लिख लो। लो तीन पद और भी लिखने को बोल रहा था भैया, लिख दिया, चलो क्यों सही है कि नहीं। हाँ कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो 2 था, फिर 5/2 था, फिर 3 था, फिर आपने जो लिखा इसमें तो कोई पूर्ण नंबर आ ही नहीं रहा, सब भिन्न भिन्न में लिख दिया। नहीं ऐसा नहीं है, ये 8/2 को तुम चार लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो चार, इसमें कोई बुराई नहीं है। 5/2 को तुम 5 ओ सॉरी 10/2 को तुम 5 लिख सकते हो। तो ये देखो इनकी शक्ल वैसे बन गई ना, एक पूर्ण संख्या, फिर एक अपूर्ण संख्या, फिर एक पूर्ण, एक अपूर्ण, एक पूर्ण और एक अपूर्ण, ऐसे ये इनकी कहानी होती चली जाएगी। तो ये आपका ये भी पार्ट हो गया, लिख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, जुबान लुड़बुड़ा रही थोड़ा थोड़ा, चलो मिटा दें, इतना हो गया क्लियर। आज का जो ये वीडियो होगा, जो ये सेशन होगा, बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि आज कुछ अलग नए तरीके से सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। ये कैमरे से मेरा जीव उग गया था, इसलिए मैंने सोचा कि इतना अच्छा सा फ़ोन लिया था मैंने काफ़ी जुगाड़ करके, आज इसका उपयोग कर लेते हैं। तो दो पद हो गए बच्चा, इसमें कुल 16 पद हैं, मैंने दो करवाया अभी, तीसरा देख लो, तीसरा चौथा होमवर्क रहेगा, नहीं बताऊंगा। थर्ड और फोर्थ होमवर्क कर लेना, जिसमें -1.2 और -3.2 -5.2 -7.2 डट 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 है, इसको कर लेना। फोर वाला भी बहुत ईजी है, हाँ फाइव वाले में थोड़ी सी धड़कन रुकने की संभावना है, तो मैं फाइव वाला करवा देता हूँ, देख लो कैसे है। ये 3 है, फिर 3+√2 है, ये अंडर रूट का लफड़ा नहीं समझ में आता, मुझे भी बचपन से नहीं आया, लेकिन अब मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए समझता हूँ। चलो 3+3√2, फिर ये डॉट डॉट, ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कोई चोर है या नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, आपको उसकी जांच करनी पड़ेगी कई आधार पर ना। तो ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसके लिए इसका पहले हम सर्वांतर निकालेंगे, और सर्वांतर अगर सब बराबर आता है तो है, अन्यथा नहीं है। देखो समझो यहाँ से, तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए बराबर क्या है, 3 है, सर्वांतर निकाल लो भैया, सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस डी बराबर क्या हो जाएगा। देखो ये 3 है, ये क्या है, 3+√2 है, अगर हम 3+√2 से माइनस का 3 घटाएंगे, जैसा कि होता है रूल में, इस पद से इस पद को घटाएंगे तो ये कट जाएगा, मतलब फाइनल में अंडर रूट 2 आएगा,
ये हर जगह ऐसे आएगा, चाहे कोई भी पद किसी में से घटा लो बच्चा, अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तब भी यही आएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये तीन से तीन तो कट जाएगा, और भैया वो दो और अंडर रूट दो से अगर अंडर रूट दो घटाएंगे तो इसका मतलब ये होता है जैसे दो ए से तुम ए घटाओ तो ए आता है, कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, समझा ना? ओके लिखो। चलो तो ये कितना आया सर्वांतर, कितना आया अंडर रूट दो। तो ये दो स्टेप में से कुछ स्टेप तो हो गए। अगला देखो, इसमें कह रहा था, क्या कह रहा था? कह रहा था इनके अगले तीन पद और भी लिखिए, हाँ इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए एपी में है या नहीं है, और इनके तीन और पद लिखिए, इनके तीन और पद लिखिए। ठीक है लिखो, तीन पद, अगले तीन पद इसमें लिखो। प्रथम पद क्या लिखोगे? प्रथम पद लिखो, प्रथम पद भैया जहाँ पे ख़त्म हो रहा जरा ध्यान से देखो, थ्री प्लस थ्री इंटू अंडर रूट दो ना, यहाँ पे देखो थ्री प्लस टू इंटू अंडर रूट दो, यहाँ पर देखो थ्री प्लस वन इंटू अंडर रूट दो है क्योंकि वन छिपा है। तो यहाँ पर हमें ये सीधा सीधा मिल रहा है कि इनमें एक एक आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो तुम ऐसे नहीं समझ पाओगे। चलो ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। इसके आगे यानी तीन प्लस ये तीन अंडर रूट दो, इसमें अंडर रूट दो जुड़ेगा। हम सबको पता है कि जो पद दिया है उसमें क्या करेंगे, सर्वांतर जोड़ते हैं ना, तभी तो अगला पद आता है, श्रेणी का यही तो नियम होता है ना। तो ये कुछ भी पद रहा हो, चौथा पाँचवा जो भी रहा हो, इसमें अंडर रूट दो जोड़ के अगला पद लाएंगे। तो भैया ये तीन इंटू अंडर रूट दो है और ये क्या है, अंडर रूट दो है ना। तो ये फाइनल में जब आपका जुड़ जाएगा तो आप इसे लिख सकते हो थ्री प्लस ये फोर इंटू अंडर रूट दो। ठीक है, ये इसके बाद का एक पद बनेगा। इस तरह से आपका अगला पद भी हो जाएगा, लिख लेना, अब मैं क्यों जोड़ूं बार बार। हाँ सही रहेगा कि नहीं? क्यों भैया सही रहेगा ना बाबू? तो इसका अगला पद, एक पद ये हो गया थ्री प्लस फोर इंटू अंडर रूट दो, अगला हो जाएगा थ्री प्लस फाइव इंटू अंडर रूट दो, अगला हो जाएगा थ्री प्लस सिक्स इंटू अंडर रूट दो। ये तीन और पद हो गए बस, यानी पहला पद और ये सर्वांतर और बाकी के तीन पद मैंने वहाँ निकाल दिया, पहला निकाल के दिखाया था, दोनों ऐसे कर लिया। ठीक है, हो गया ना? किसी को कोई हैरानी परेशानी हो तो बता दो, अगर नहीं है कोई परेशानी तो फिर डोंट वरी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपके सामने क्लियर हो रहा, विजिबल है, क्या कह रहा है जरा देखो ध्यान से। ये भी इसी का एक हिस्सा है, ये छठवां पार्ट है, कुल 16 पार्ट हैं इसमें, 16 पार्ट हैं। तो देखिए इसमें प्रथम पद क्या दिया है, आप ध्यान दीजिए। प्रथम पद ए इक्वल दिया है 0.2 यानी 20 पैसा है। यहाँ से हम सर्वांतर निकालेंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। आप सबको पता है कि ए टू माइनस ए या फिर ए थ्री माइनस ए टू होगा। तो दूसरा वाला पद इसमें से यानी 0.22 से हम 0.2 को सब्ट्रैक करेंगे। सब्ट्रैक करना हम सबको आता है, ये 22 से 0.2 सब्ट्रैक करना है। हमें पता है इसके नीचे कुछ नहीं थे, जीरो हो जाएगा। हाँ ऐसे नहीं हो जाएगा, इसमें से जब जीरो घटाएगा तो ये दो आएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये यानी फाइनल में हम कह सकते हैं ये 0.02 आएगा। हाँ लेकिन ये एक ही के आधार पे सर्वांतर निकाल के सही कर देना सही नहीं है, अभी इनका हम और भी सर्वांतर निकालेंगे। ये तो मैंने क्या किया, इस दूसरे वाले पद से पहला वाला घटाया, अब चलो तीसरा वाला से घटा के देखते हैं दूसरे वाले को, क्या ये सही है? अगर हर एक स्थिति में यही सर्वांतर आता है तब तो ठीक है, अगर ये बदल रहा है, मुझे लग रहा बदल रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है ही नहीं। जैसे देखो 0.222 यहाँ पे पॉइंट और ये 22, इनको सब्ट्रैक करोगे भाई, इनके नीचे कुछ नहीं है तो ये 2 आएगा और ये 0 0 हो जाएंगे पॉइंट।
आप देखो तो यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव था, यहाँ पर 3 अंक पर है। ऐसे ऐसे ये घटता, मतलब दशमलव का स्पेस बढ़ता जाएगा, यानी ये बराबर सर्वांतर कभी नहीं आएगा। नीचे आप लिखोगे चूंकि सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः दिया गया ये पद समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसके अगले कोई भी पद आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है? आपको लिख देना है चूंकि दिया गया जो पद है इनके सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है? तो बच्चा आपका ये 6 नंबर हो गया। इस तरह से आपका 7वां, 8वां और 9वां होमवर्क रहेगा, ठीक है? मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। 7, 8 और 9 आपका होमवर्क रहेगा। बहुत आसान आसान नंबर दिए गए हैं। जैसे ही मैं जो रूल बता रहा हूँ ना बाबू, करना ऐसे आपको है, सारे क्वेश्चंस इसी तरह से करने हैं। बस मैं अधिकांश करवा दे रहा हूँ जो थोड़ा सा बड़े लग रहे हैं, लंबे चौड़े। हाँ, 10 वाला मैं करवा रहा हूँ। देखो ये थोड़ा सा खतरनाक है। ए है, 2A है, फिर 3A है, फिर 4A है। इसको मैं करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे समझो, इनमें प्रथम पद क्या दिया है आप जरा देखो। प्रथम पद ए बराबर, भाई पहला पद ए था, ए ही है। सर्वांतर निकाल लीजिए, सर्वांतर डी यानी कॉमन डिफरेंस। आप 2A से अगर ए घटाओगे तो क्या आएगा भाई? 2A से ए घटाओगे तो ए आएगा, सीधी सी बात है। अगर 3A से 2A घटाओगे तब भी ए आएगा, 4A से 3A घटाओगे तब भी ए आएगा। यानी हम कह सकते हैं सर्वांतर हर स्थिति में बराबर आएगा, यानी ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है? अब लिखेंगे 3 अतिरिक्त पद। 3 अतिरिक्त पद भाई कह रहा था ना, अगर ये बराबर है तो सर्वांतर बताओ, फिर 3 और भी पद बताओ। तो 3 अतिरिक्त पद में प्रथम पद क्या होगा? ये आपका 4A है, धन इसमें सर्वांतर जोड़ेंगे तो 5A हो जाएगा। इस तरह से आपका सेकेंड पद हो जाएगा, लिख लेना आप लोग, द्वितीय पद। भाई हमें द्वितीय पद इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे तो ये 4 पद दिया है, ये 5वां है, वो 6वां पद होगा, लेकिन द्वितीय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें 3 अतिरिक्त पद निकालने थे। तो इसी आधार पर 5A में ए जोड़ोगे, ये 6A हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड वाला करोगे तो 6A में आप ए जोड़ोगे, ये 7A हो जाएगा। ये आपका हो गया क्लियर, आप इसे लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, इसमें किसी को कोई प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना? चले फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसी को कोई आपत्ति नहीं ना। चलिए तो ये 10 पार्ट आपके हो गए। 11 वाला पार्ट पे आ जाओ भाई साहब, 11 वाला पे आ जाओ बाबू। ये 11 वाला ये क्या कह रहा है देखो, a का स्क्वायर, a का क्यूब और a का पावर 4 और डॉट डॉट। इसमें देखिए प्रथम पद क्या दिया है, फर्स्ट पद क्या दिया है। प्रथम पद a बराबर a दिया है। सर्वांतर अगर आप निकाल के मुझे बता दो तो बहुत अच्छा है। देखो भाई सर्वांतर यहाँ पे निकलेगा नहीं बाबू, क्योंकि ए स्क्वायर से कभी भी a नहीं घटेगा, ए का क्यूब से कभी भी ए का स्क्वायर नहीं घटेगा। आप जितनी बार भी करोगे ये सर्वांतर बराबर नहीं आएगा, ठीक है? नहीं आएगा। चाहे तो एक मैं निकाल देता हूँ दिखाने के लिए, तो ए का स्क्वायर माइनस ए ये पहला हो जाएगा, दूसरा करोगे ए का क्यूब माइनस ए हो जाएगा। नीचे लिखोगे, एक और भी निकाल ही देता हूँ तब लिखूँगा सर्वांतर, एक और निकाल देता हूँ। तो ए का 3 माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे लिखो चूंकि सर्वांतर बराबर नहीं है, चूंकि सर्वांतर बराबर नहीं है अतः दिया गया यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अतः दी गई ये श्रेणी या दिया गया ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है? तो आप इसे लिख लीजिए जल्दी जल्दी से, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ भी रहे हैं और कोई प्रकार की किसी को आफत नहीं हो रही है, क्यों भाई? ठीक है ना? हाँ, आगे चला जाए। इसमें अभी कितना बचा है आपको पता है? 11 हो गया, 12, 13, 14, 15 भी 4 बचा है, ठीक है? तो अगला नंबर क्या बोलता है इसे भाई? 12 नंबर, ये 12 नंबर भी लिख लो। अंडर रूट 2, अंडर रूट
आठ, 18, 32 ऐसे है। चलो जल्दी जल्दी फटाफट रेडीमेड रहो, लिखते चलो। 12 नंबर पार्ट देखिए, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिए इसे कैसे करना है। ये कह रहा है अंडर रूट 2, अंडर रूट 8 और अंडर रूट 18, कुछ ऐसा ही दिया है ना। इसे हम एक काम करेंगे, अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे 4, भाई 2 चौक 8 हो जाता है ना। और इसी क्रम में हम अंडर रूट 18 को अंडर रूट 9 और 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, और 32 को हम 16 और 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो ऐसे हम एक काम करेंगे, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेंगे, और जैसे इसे हम छोटे छोटे पार्ट में अगर तोड़ लिए तो फिर इसे हल करना आसान हो जाएगा। जैसे इधर साइड में आ जाओ सभी एक बार, फिर मैं दिखाता हूँ। चलो आओ, ये अंडर रूट 2 ऐसे ही रहेगा, 18 को हम अंडर रूट 9 और अंडर रूट 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। ये सॉरी 8 था ना पहले, तो भाई पहले 8 को तोड़ो, 8 को हम रूट 4 और रूट 2 में तोड़ सकते हैं। फिर 18 को हम अंडर रूट 9 और अंडर रूट 2 में तोड़ सकते हैं, और फिर 32 को हम अंडर रूट 16 और अंडर रूट 2 में तोड़ सकते हैं। इस तरह से अगर आप आगे बढ़ोगे तो बेहतर होगा। भाई देखो 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसमें 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 2 ऐसे ही रहेगा। इसमें 9 का वर्गमूल निकल के 3 हो जाएगा, 2 ऐसे ही रहेगा। इसमें 16 का वर्गमूल निकल जाएगा। इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी काम कर सकते हो, हमें क्या करना है, इसका प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो भाई सीधी सी बात है, प्रथम पद a बराबर अंडर रूट 2 है, जो कि आपको दिख रहा है। सर्वांतर क्या है, अगर आप ध्यान दो, अंडर रूट 3, ये 3 इंटू अंडर रूट 2 से 2 इंटू अंडर रूट 2 घटाओ, या फिर 4 इंटू अंडर रूट 2 से 3 इंटू अंडर रूट 2 घटाओ, हर जगह घटा के देखो तो कितना आएगा, अंडर रूट 2 ही आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो सर्वांतर है d बराबर, वो घटा के देख लो कहीं भी, ऐसे ही घटा लो, बराबर अंडर रूट 2 ही आएगा, चाहे जिसको जिसमें से घटा लो। लेकिन यहाँ ऊपर घटाते तो नहीं आता ऐसे, क्योंकि ये क्या किया गया, सिंपलीफाई किया गया, तो यहाँ तक पहुँचा। ये समांतर श्रेणी में भी है। अब इनके अगले जो तीन पद लिखने हैं वो कैसे होंगे पता है आपको? इतना करने के बाद आगे लिखो, इतना करने के बाद आगे लिखो, मैं बता देता हूँ। इनके जो अगले तीन पद हैं वो कैसे लिखोगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था ना इनके तीन और पद लिखिए। नीचे आप लिखोगे तीन अतिरिक्त पद कैसे, देखो भाई 2√3 है, नहीं 2 इंटू अंडर रूट 2 है, 3 इंटू अंडर रूट 2 है, 4 इंटू अंडर रूट 2 है, तो सीधी सी बात है 5 इंटू अंडर रूट 2 होगा, 6 इंटू अंडर रूट 2 होगा, यही होगा ना। तो इनके अतिरिक्त पद क्या हो जाएंगे, 5 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा एक, 6 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा, और 7 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा। बस जिस सीरीज में ये बढ़ रहा है वैसे वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ कैसे बढ़ाओगे इस सीरीज को, तीन पद इसमें कहाँ कैसे लिखोगे? देखो ये जो 4 इंटू अंडर रूट 2 है ये वास्तव में है क्या, आपको पता है कि 4 का जब वर्ग करोगे 16 आएगा, और 16 का 2 में गुणा करोगे तो 32 आएगा। हाँ, यानी ये 32 का मान है, हम अंडर रूट 32 को इस रूप में लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, 25 का 2 में गुणा करेंगे 50 आएगा, यानी हम कह सकते हैं अगला क्या होगा, अंडर रूट 50 होगा। वैसे इसका क्या करेंगे, 6 का 6 में गुणा करेंगे, यानी 6 का वर्ग 36 होगा, 36 का 2 में गुणा करेंगे 72 होगा, हम कह सकते हैं ये 72 होगा। ये 7 × 7 = 49 होगा, 49 दूना कितना होगा, 98 होगा। ये इसके रियल फॉर्म है अगले तीन पद, ये और ये, क्यों सही है कि नहीं, लिख लो 50, 72 और 98, समझ में आया ना। हाँ, लेकिन बनते यहीं से हैं, यही इसके तीन पद हैं जो इसकी जड़ हैं, बाकी वो उसमें से निकले हैं। तो इस तरह से आप कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। इसको लिख लिए हो तो चले आगे बढ़े। अगले जो इसमें दो पद हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, आप ध्यान से देखते चलिए, एक एक को बहुत ही प्यार से देखते चलिए, कोई प्रकार का टेंशन नहीं है, बस आपको समझना है ना। चलिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लगा देता हूँ,
जिससे और बेहतर आपको सुनाई पड़े और कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 12 के बाद है बच्चा 13 नंबर पार्ट, 13 नंबर है, फिर 14 है, फिर 15 है। हाँ चलो, 13 नंबर का कह रहा है अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 9 है और अंडर रूट 12 है। इसमें आप एक चीज़ देखो, प्रथम पद तो दिया है ठीक है, लेकिन अगर इसको इसमें से घटाओ, इसको इसमें से घटाओ या इनको तोड़ो मरोड़ो भी, तभी कोई मतलब नहीं होने वाला। हाँ, क्योंकि इनका सर्वांतर बराबर आएगा नहीं। ठीक है, तो प्रथम पद ए बराबर अंडर रूट 3 लिख लो, और अगर सर्वांतर की बात करें तो सर्वांतर तो यहाँ बराबर आएगा ही नहीं, लिख लो चाहे ऐसे लिख लो ऐसे, ये सर्वांतर हो गया पहला, इसमें से इसको घटाओगे या इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, एक को घटेंगे नहीं, वैसे ही है। हाँ, तो सर्वांतर क्या आएगा, बराबर आएगा नहीं, सब अलग अलग आएंगे। नीचे लिखो, चूंकि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, या फिर ऐसे थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा ऐसे लिख लो, चूंकि दी गई श्रेणी के सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। दी गई श्रेणी के सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, हो गया। चलिए, बहुत स्पीड में लिखते चलिए, जितना स्पीड आप बढ़ाएंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, हमारे लिए और सबके लिए, देश समाज के लिए। हाँ चलिए, 14 नंबर पे आ जाओ, 14 नंबर पे बस नज़रें गड़ा के रखो आप, बिल्कुल भी टेंशन ना लेना एक पैसे का। हाँ हाँ, 14 नंबर पे आ जाओ राजा। ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, कुछ ऐसे आसमानी बन रहा है ये। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 3 जा 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। अगर आप इसमें देखो, प्रथम पद तो आपको क्लियर है। हाँ, प्रथम पद क्या है, 1 है। सर्वांतर की बात करो, इसमें से घटाओ 8 आएगा, इसमें से आप घटाओगे 16 आएगा ना, इसमें से घटाओगे क्या आएगा, क्यों भाई 16 आएगा का, मुझे तो लग रहा बराबर आ रहा है का, बराबर कभी नहीं आएगा, घटा के देख लो। ये 24 आएगा, इसको घटाओगे ये 16 आएगा, 8 आएगा, 8 16 24 एक सीरीज बनेगी घटाने के बाद, बराबर नहीं आएगा। नीचे आप लिखोगे सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः ये श्रेणी समांतर नहीं है। ठीक है, सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः ये श्रेणी समांतर नहीं है। घटा के देख लो, सर्वांतर अलग अलग आएंगे या ऐसे ऐसे आएंगे। हाँ, ये सभी सर्वांतर हैं इनके, ये सभी इनके सर्वांतर हैं। ये 24 आया, 16 आया, 8 आया, बराबर नहीं आ रहा है। तो नीचे लिख देना, चूँकि सर्वांतर बराबर नहीं, अतः ये श्रेणी समांतर नहीं है। हो गया, चलो मिटा देते हैं इनको, इनका काम ख़त्म। आप देखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपको थोड़ा सा इसमें गौर फरमा के रखना है बस। हाँ, टेंशन नहीं लेना, एक भी पैसे का टेंशन नहीं लेना। चलो, ओके है सब कुछ, ओके, यू डोंट वरी। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, डोंट वरी। चलो, तो अगला 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, क्यों भाई वही तो था ना ये। हाँ, और एक 73 था, ऐसे दिया है क्वेश्चन, क्या बड़ा अजीब टाइप का है भाई, बेढंगा टाइप का है, बट ऐसे ही है। ठीक है, इनको देखो, ये 1 बनेगा, ये 25 बनेगा, ये 49 बनेगा, ये 73 बनेगा। इसमें अगर हम सर्वांतर देखें, हाँ, तो ये बराबर होगा, क्यों आप देखो, इसमें प्रथम पद पहले, प्रथम पद आज भी ये रेडी चल रहा है साला। प्रथम पद क्या है, 1 है, सर्वांतर क्या है, 24 आएगा। आप देखो, इसमें से घटाओगे 24 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तब भी 24 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तब भी 24 ही आएगा। यानी ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है।
ठीक है, अगर समांतर श्रेणी में है तो अगला क्या आता है, इनके तीन और पद लिखने को पूछे जाते हैं, इनके तीन और पद लिखिए, है ना। तो चलो लिख लो रोंका किसने है भाई, इनके तीन और पद कैसे लिखोगे, पहला पद, प्रथम पद, ये 73 पे ख़त्म हो रहा है तो 24 जोड़ लो इसमें, इसी तरह से आपका दूसरा पद, इनको जोड़ लो, ये हो जाएगा 4 और 3 7, और ये आपका 7 2 9, ये आपका अंतिम तीन पद का पहला पद हो गया। 97 में फिर से 24 जोड़ लो, आपको पता है कि इसमें 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 121, इसका आपका तीसरा पद क्या हो जाएगा भाई, 121 में 24 जोड़ लो, आपको पता है 20 20 40, मतलब 145 हो जाएगा। तो ये आपके जो तीन एक्स्ट्रा पद पूछे गए थे ये हो गए, है ना, लिख लीजिए। इस तरह से आपके सारे पद हो गए और आपका ये एक्सरसाइज 5.1 ख़त्म हो गया। बहुत ही गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि आज आपका 5.1 ख़त्म हो गया।